सबसे पहली टिप है कि जैसे आपने अलग अलग कैमरे से फुटेज शूट की हुई है कि ये अलग सीन है, यहाँ पे लाइटिंग अलग है, इस सीन में लाइटिंग अलग है, तीसरे में अलग है और चौथे में अलग है, तो इन चारों की कलर ग्रेडिंग सेम रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर को हम सबसे ऊपर रख देंगे, उसके बाद जो भी आपके प्रीसेट्स है कलर्स के वो हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। यहाँ से जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये कलर प्रीसेट चूज कर लेता हूँ। अब उसके बाद देखोगे आपकी जो कलर है वो आपकी सारी वीडियो पे लगभग सेम है, लेकिन जो सीन है वो फिर भी मैच नहीं कर रही। तो उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, अब एग्जांपल यहाँ पे लेके चलो कि ये वाला जो शॉट है, ये शॉट आपका बार बार आ रहा है, एक बार स्टार्टिंग में है, एक बार बाद में है। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि पहले इसको हमने करेक्शन किया, बेसिक करेक्शन में जाके एक्सपोजर कम किया, हाइलाइट्स कम की, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया, जो भी हमें करना है, पहले एक क्लिप पे किया फिर उसके बाद दूसरे पे किया, ऐसा करने की जगह, अभी हम अंडू करेंगे इसको, ऐसा करने की जगह आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर ये जो ल्यूमेट्री कलर के पास सोर्स का बटन आपको दिखाई दे रहा है, सोर्स के ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे आपकी न्यू विंडो खुल जाएगी, और यहाँ पे जब हम एक्सपोजर को, कॉन्ट्रास्ट को, कम ज्यादा जो भी हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे वो सब हमारा पहली क्लिप पे और बाय डिफॉल्ट इस क्लिप के जितने भी पार्ट थे उन सब के ऊपर हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मल्टी फुटेज पे एक ही बार में कलर ग्रेडिंग अच्छे से कर सकते हो, सारे सीन की भी एक साथ हो गई और अलग अलग क्लिप्स के ऊपर भी एक साथ हो जाएगी। अगर आपके कंप्यूटर में वीडियो अटक अटक के चलती है तो आप सिंपली रेजोल्यूशन को यहाँ पे फुल से 1:2 या 1:4 कर सकते हैं, आपका प्लेबैक काफी ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम ऑडियो डकिंग की। अब ये हमारी क्लिप है, इसके पीछे काफी ज्यादा साइलेंट गैप्स आपको सुनाई देते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर म्यूजिक लगा सकते हैं, लेकिन म्यूजिक हम चाहते हैं कि पहले ऑडियो पे अच्छे से सुनाई दे हमें ऑडियो, और उसके बाद म्यूजिक आए, फिर डायलॉग जो है अच्छे से सुनाई दे। तो बार बार म्यूजिक को कम ज़्यादा करने की जगह आप एक तरीका अपना सकते हैं, मैं एक म्यूजिक यहाँ पे लगा देता हूँ। इसेंशियल साउंड्स के ऊपर हम जाएंगे, ये जो सेकेंड हमारी म्यूजिक की लेयर है इसी को हम क्लिक करके रखेंगे, और यहाँ पर हम म्यूजिक वाले टैब के ऊपर जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, डकिंग का ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इसको हम ऑन कर देंगे। बाय डिफॉल्ट अगर हम इनको छोड़ के की फ्रेम्स को जनरेट करेंगे तो यहाँ पर देखना ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये क्लिप एनालिसिस हो रही है, और यहाँ पे एक बार जब ये पूरी हो जाएगी तो जैसे ही लोडिंग कम्प्लीट होगी ये की फ्रेम्स आप देखोगे कि अपने आप बन जाएंगे। तो जहां पर डायलॉग खत्म होता है, जैसे ये ऊपर ब्लैंक स्पेस आपको नजर आ रहा है ऑडियो में, जो डायलॉग है उसकी ऑडियो में, वहीं पे हमारी जो ऑडियो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सुनने को मिलेगा। जहां पर आपकी ऑडियो साइलेंट होगी वहां पर म्यूजिक ज्यादा हो जाएगा, जहां पे आपके डायलॉग आने शुरू होंगे वहां पे म्यूजिक कम हो जाएगा, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तीसरी टिप है हमारे फोन्स की। फोन्स में काफी ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि जो फोन मैं यूज करता हूँ वो कौन से फोन है। बेसिकली मेरे वाले फोन्स का नाम है ओब्लिक्स प्रो। फोन्स इम्पोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रीमियर प्रो के अंदर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने कंप्यूटर में जाओ, जो भी फोन आपने डाउनलोड किया हुआ है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये फोन्स हमने डाउनलोड किए हुए हैं, इसमें से कोई भी फोन जो हमें चाहिए अपनी वीडियो के अंदर। अब एग्जाम्पल के लिए ये हमारा फोन है होम टाउन पर्सनल यूज, ये आपको गूगल पे कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, जो भी फोन चाहिए सारे ऑलमोस्ट फ्री में मिल जाते हैं। राइट क्लिक करा और इसको हम यहाँ से सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। बस यहाँ से जैसे हमारा फोन इंस्टॉल होगा, होम टाउन पर्सनल यूज इसका नाम है, ये हमने टाइप किया, एसेंशियल ग्राफिक्स में हम गए, यहाँ से हम फोन को सर्च करेंगे, होम टाउन है तो एच पे हमारा फोन जो है हमें देखने को मिल जाएगा। ये रहा होम टाउन पर्सनल यूज, और ये हमारा फोन यहाँ पे बन के तैयार है। इस तरीके से आप अपने वीडियो के अंदर फोन्स को यूज कर सकते हैं। अब काफी लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि प्रीसेट्स हम कैसे लगाएं, जो बने बने प्रीसेट्स काफी सारे होते हैं जो फोन्स के ऊपर मैं यूज करता हूँ। स्पेशली आपने मेरी रील्स के अंदर देखा होगा कि फोन्स यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, इधर से ऐसे हो रहे हैं, तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, अभी एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देते हैं। अब इसके ऊपर मुझे प्रीसेट लगाना अपना, तो सिंपली हम इफेक्ट टैब में रहेंगे और यहाँ पे ये जो तीन डॉट्स आपको नजर आती है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंपोर्ट प्रीसेट्स के ऊपर चले जाएंगे। ये प्रीसेट्स भी आपको गूगल पे, यूट्यूब पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे फ्री में मिल सकते हैं, जो भी आपको प्रीसेट चाहिए आप वो सिंपली सर्च कर सकते हैं। जहाँ पे आपने प्रीसेट को डाउनलोड किया हम वहाँ जाएंगे, ये वीडियो इफेक्ट प्रीसेट है, जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे प्रीसेट्स है बन के आपको दिखाई देंगे। ये ऑडियो के प्रीसेट्स है जो हमने डाउनलोड करे हुए हैं। अब मेरे पास काफी सारे कस्टम प्रीसेट्स है जो मैंने डाल रखे हैं, इनमें से कोई भी प्रीसेट को अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और अब मैं वीडियो को प्ले करूंगा तो टेक्स्ट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा।
तो इस तरीके से प्रीसेट्स काम करते हैं और आप कोई भी प्रीसेट को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये प्रीसेट आप वीडियो के ऊपर भी लगा सकते हैं और वीडियो के ऊपर भी ये सेम तरीके से ही काम करेंगे। अब इस तरीके के लोअर थर्ड ग्राफिक्स की अगर हम बात करें, जैसे ये एकदम से आते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये काफी सारे प्रीसेट्स हैं जो आपको अच्छे भी लगते हैं देखने में, इनको भी आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। इनको इंपोर्ट करने के लिए भी सेम ही तरीका है, बस थोड़ा सा अलग है। एसेंशियल ग्राफिक्स के ऊपर हम रहेंगे, यहाँ पे जो तीन डॉट्स है इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर हम मैनेज एडिशनल फोल्डर के ऊपर हम जाएंगे। तो जो भी आपके ग्राफिक्स के फोल्डर्स हैं वो सारे फोल्डर्स को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ऐड के बटन पे जाएंगे, जहाँ पर भी आपने ग्राफिक्स डाउनलोड किए हुए हैं वो सिंपली क्लिक करके हम सेलेक्ट फोल्डर कर लेंगे। ये कुछ फोल्डर्स मैंने पहले से इम्पोर्ट कर रखे हैं और जैसे ये फोल्डर्स पे हम बनाएंगे ओके करेंगे तो यहाँ पर आपको वो सारे फोल्डर्स बने हुए मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो हर फोल्डर के अलग अलग ग्राफिक्स हैं, ताकि आपकी जो लोअर थर्ड्स हैं वो आप अच्छे बना सको। इसमें आप टेक्स्ट वाले भी कर सकते हो, टाइटल्स वाले भी, ओपनर भी और सोशल मीडिया वाले भी। अब मान लो आपके पास इस तरीके से अलग अलग लेयर्स की फुटेज है, दो तीन एंगल्स या फिर आपने ग्राफिक्स भी लगाए हैं, उसके ऊपर इमेजेस भी है, लोगो भी है, इस तरीके से आपकी तीन चार लेयर्स बन जाती है और आप सोच रहे हो कि यार ये काम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा होता जा रहा है, तो उसके लिए आप सिंपली नेस्टेड लेयर्स कर सकते हो। नेस्टेड लेयर का फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी सारी लेयर्स है एक फोल्डर में बन जाएगी और आपकी जो टाइमलाइन है थोड़ी इजी हो जाएगी समझने में कि यार कहाँ पर कौन सी फाइलें रखी हुई है। ये सिंपली हम सारी फाइल्स को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके नेस्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ओके का बटन दबा देंगे। ये आपकी नेस्टेड लेयर बन चुकी है। अगर आपको थोड़ी कलरफुल टाइमलाइन चाहिए कि ये ग्रीन है, यहाँ पे ये ब्लू है, ये पिंक है, इस तरीके से सारे बाय डिफॉल्ट वाले ये रहते हैं, लेकिन आप चाहते हो कि नेस्टेड लेयर हमारी अलग से पहचान में रहे कि हाँ ये वाली नेस्टेड लेयर किस चीज़ की है, ये वाली किस चीज़ की है, तो आप सिंपली राइट क्लिक कर सकते हो और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको लेबल का ऑप्शन दिखेगा। लेबल से आप सिंपली कोई भी कलर को सेलेक्ट कर सकते हो और जैसे ही आप कलर सेलेक्ट करोगे आपका जो फोल्डर होगा, जो क्लिप होगी, वो चेंज हो जाएगा उसका कलर। अब इसके अलावा देखो, फाइल ऑर्गेनाइजर्स के पीछे काफी ज्यादा लोग पागल होते हैं कि यहाँ पे फोल्डर बनाओ म्यूजिक का अलग, वीडियो का अलग। मेरी राय ये है कि अगर आप सोशल मीडिया के लिए या फिर रील्स अगर आप बना रहे हो तो आपको इन सब की जरूरत नहीं है। दो चार मिनट की वीडियो बनाने के लिए आपको इतना ऑर्गेनाइज करने की चीजों को जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपकी स्क्रीन छोटी है, जैसे मैं मैकबुक पे एडिट करता हूँ, 13 इंच की स्क्रीन है, तो मैं एडिशनल एक स्क्रीन लगा के रखता हूँ ताकि ज्यादा अच्छे से मैं काम कर सकूँ। लेकिन अगर आपके लैपटॉप में ज्यादा बड़ी स्क्रीन नहीं है और आप एडिशनल स्क्रीन भी नहीं यूज कर सकते, तो आप अपने वर्क स्पेस को उस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। जैसे ये जो हमारे टैब्स है, किसी भी टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वो ब्लू लाइन में हाईलाइट हो जाता है। इसको आप छोटा बड़ा किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। जिस भी टैब के ऊपर आप क्लिक करके पीछे की तरफ या आगे की तरफ खींचोगे वो उस तरीके से होता जाएगा। कोशिश आपको ये करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आपका प्रीव्यू विंडो और आपकी टाइमलाइन सबसे ज्यादा स्पेस पे रहे, ताकि आपको काम करने में इजी रहे। 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हम इस साल के एंड तक करने की कोशिश कर रहे, तो वह अगर आप करवा दो तो हमें बहुत मजा आ जाएगा। तो ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।